देखिए, जब हम सूफियाना प्यार की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हेली आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह ये कहानी डिफरेंट होने वाली है। प्यार इश्क की कहानी हमने कई बार टेलीविजन पर देखी है, बट व्हाट इज डिफरेंट इन दिस? बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लव स्टोरी है पहली बात, और मोहब्बत और ज़िद को लेकर है। कैसे ज़ारून की ज़िद होती है मुझे पाने के लिए, सल्तनत को पाने के लिए, और कैसे सल्तनत अपने उसूलों को पहले रखती है प्यार के आगे, तो ये सारी उस जोन में जाता है। बात है, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और जिद के बारे में है, तो कहीं ना कहीं आपका इनकार इकरार करने का अगर वो है तो ये हीरो हमारा नेगेटिव शेड में जाएगा कि बड़ा अंडरस्टैंडिंग होने वाला है? देखिए, नेगेटिव तो हीरो नहीं हो सकता, अगर हीरो है तो नेगेटिव कैसे होगा। पर जहाँ तक ये है कि लड़की ने इनकार कर दिया, उसकी जिद बन जाएगी उसको पाना, तो मुझे नहीं लगता कि जिद नेगेटिव शेड में जाएगी अभी तक तो। बाकी राइटर ने अभी तक ऐसा कुछ लिख के दिया नहीं है फिलहाल। आगे जाके राइटर क्या कम, और अगर होगा भी तो भी रिवील कर भी नहीं सकते। कहाँ क्या होगा, क्या रुख होगा, ये जानना होगा, लेकिन इसके लिए सीरियल का इंतजार करना पड़ेगा। तो फिलहाल ऐसा करते हैं, गठबंधन की ओर चलते हैं, वहां दिखाते हैं कि आई क्या नए नए कमाल कर रही है। वापस आते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं। मायने आज इस बेलन को धनक के खिलाफ अपना हथियार बना लिया है। एक बेचारी धनक है जो अकेली शिकार बन रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बेलन के साथ माई और उसके दोनों जोड़ीदार साथ में मिलकर धनक का गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं। माई ने ये बेलन उठाया धनक को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि पहले तो उन्हें कोई हफ्ता नहीं मिला। घर की सारी शराब की बोतलें खाली हो गईं और जो उनके हथियार थे वो भी धनक और रघु ने गायब कर दिए। तो वैसे भी उपयोग किया जाता उसको पीटने के लिए, मगर आज सावित्री हथियार बना के उसको धनक का गला दबाने की कोशिश कर रहे, क्योंकि वो बहुत गुस्से में है। एक तो सुबह से उसको हफ्ता नहीं मिला है और दारू नहीं मिली उसको पीने के लिए, और तीसरी बात यह है कि मेरे सारे हथियार जो है वो गायब हो गए हैं। तो उसको गुस्सा आया है माई को कि बिना मेरे परमिशन के मेरे हथियारों को किसने हाथ लगाया। धनक का माई को सुधारने का ये मिशन इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा। चले बहुत आसानी ये हमारा। यहाँ पर माई को उसका घोड़ा मिल गया, तो उन्होंने धनक से माफी कैसे मांगी ये आप खुद ही देख लीजिए। ए भाई बस मेरे को इसे माफी मांगने का है। ए भाई पूरी माफ करने वो क्या हुआ ना, वो सुबह से हफ्ता नहीं मिला, दारू नहीं मिली, ऊपर से ये धूप, वो मेरा माथा खाने गया, सब तेरे पे बरस गई। मेरे को माफ कर दे भाई। और क्या है ना, थोड़ा पर चूना लग गई ना, तू उसका जख्म अभी तक भरा नहीं, अब सावित्री को उसका घोड़ा मिल गया, अब जाके हफ्ता वसूल करेगी, दारू पिएगी, मजा आएगा। सही वक्त पर आकर बंदूक तान कर रघु ने इस बार तो अपनी धनक को बचा लिया, लेकिन इस जंग में रघु और धनक को हर कदम पर कई परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।